ऐसी जगह है जहाँ गुरु कृपा साथ न जाती हो? कोई जगह ऐसी दुनिया में है ही नहीं जहाँ गुरु कृपा, संत कृपा न जाती हो। भगवान को रिझाना बड़ा मुश्किल है, तो क्यों ना भगवान के किसी प्यारे संत को रिझा लिया जाए, उनको रिझा लिया जाए, ताकि इस टूटे फूटे नादान अज्ञानी को भी वो संत भगवान का प्यारा बना दे। जीवन में कोई ऐसा संत अवश्य होना चाहिए जिसके चरणों में सर रख करके आप जीवन की हर व्यथा उसको सुना सके। एक ऐसा कंधा जरूर होना चाहिए जिसके कंधे पर सर रख करके आप अपना हृदय, अपना दिल हल्का कर सके। संत ना होते जगत में तो जरी मर तो संसार। कई कई महापुरुष, कई संत तो ऐसे भी होते हैं जिनका दर्शन करें तो लगे कि साक्षात भगवान मेरे सामने बैठा। लोग पूछते हैं संत की परिभाषा बताइए, संत की परिभाषा बताइए। मुझे लगता है कि संत परिभाषाओं का मोहताज नहीं होता है। संत को किसी परिभाषाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। उसके चेहरे का तेज, उसके चेहरे का स्मित, उसके चेहरे का क्रंदन ही आपको बता देता है कि ये वास्तविक संत है, इनके चरणों से जुड़ जा। मन कहता है कि यही तुझे पार उतारेगा। ऐसे संत, ऐसे गुरु, ऐसे महापुरुष जिनकी आंखों में करुणा भरी होती है, कैसे बताया जाए एक संत की परिभाषा? देखिए, जानिए, संतों के चरणों में जाके बैठिए। मत पूछिए उनसे हजारों सवाल, मत पूछिए उनसे भगवान कैसे मिलेंगे, मत पूछिए मुक्ति कैसे मिलेगी। बस 2 मिनट उनके आश्रय में बैठ जाइए, सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। उनकी करुणा भरी निगाह से आपके हृदय के समस्त बंधन टूट जाएंगे।